नमस्कार द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज फिर एक और विधानसभा के साथ प्रत्याशियों के हार और जीत के समीकरण के साथ मैं हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे सिवाना विधानसभा क्षेत्र की। सिवाना विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह पर दाव खेला है और बीजेपी फिर से हमीर सिंह भायल को मैदान में उतारा है। बात करें यहाँ के जातिगत समीकरण की। सिवाना विधानसभा क्षेत्र में 17.21% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जबकि 8.81% अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं। इस सीट पर कुल 2,75,000 के आसपास मतदाता हैं। अब यहां के 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पंकज प्रताप सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा था, लेकिन इनको सिर्फ 18,000 वोट ही मिल पाए थे। यह 2018 में टक्कर भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच रही। 2018 में सिवाना से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पूर्व जिला प्रमुख बालाराम चौधरी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी। इस चुनाव में भाजपा के हमीर सिंह भायल ने कड़ी टक्कर के बाद महज 1957 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। इस सीट पर निर्दलियों ने कई बार दोनों पार्टियों के समीकरण को बिगाड़ा है। कई बार इस सीट पर निर्दलियों के कब्जे रहे हैं। इस सीट की समस्या की अगर बात करें तो सिवाना विधानसभा का ज्यादातर इलाका ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल की समस्या चली आ रही है। इसको लेकर सिवाना मुख्यालय पर पिछले 2 साल से धरना भी चल रहा है। वहीं सड़कों के हाल भी यहाँ खराब है। सिवाना विधानसभा सीट बाड़मेर जिले में आती थी, लेकिन बालोतरा के नया जिला बनने के बाद यह इस जिले में आने लगी। सियासत की अगर बात करें तो आजाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना के बाद इस सीट पर पहली बार 1951 में मतदान हुआ था। तब से अब तक इस सीट का अलग ही राजनीतिक इतिहास रहा है। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह की, तो वे बाड़मेर से 2004 में बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। ये शिव से 2013 में बीजेपी के टिकट पर विधायक भी बने थे और ये 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी हमीर सिंह भायल की, तो ये सिवाना सीट से 2 बार 2013 और 2018 में चुनाव जीत चुके हैं। ये संघ से भी जुड़े रहे हैं। ये बीजेपी और संघ में लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये जनता के बीच रहने वाले नेताओं की छवि में से एक। तो आज बात की सिवाना विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण की। अगली बार एक और विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।